अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे दिल्ली की बहुत ही मशहूर फेमस डिश है ये मटन जहांगीरी। इसके लिए लिए हमने 1 किलो मटन, इसको धो लिया हमने अच्छे से। 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, 8 चम्मच तेल, नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, 1 प्याली हरा धनिया, धनिया पाउडर लिया हमने 2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच, काली मिर्चों का पाउडर 1 चम्मच, भुना हुआ जीरा पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, सूखे मसाले में इसमें लिए हमने 2 दालचीनी के टुकड़े, 4 इलायची, 1 स्टार फूल, 1 तेज़पत्ता, और ये 2 तेज़पत्ते, 2 स्टार फूल, 2-3 इलायची, लौंगे और ये 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 टमाटर लिए हमने, प्याज ले लिए, अदरक का टुकड़ा ले लिए हमने बड़ा, इसको इस तरह से कट कर लिया है, लहसुन की जेवे ली है कुछ, इसको हमने छील लिया है, 2 चम्मच हमने साबुत धनिया लिया है, 2 चम्मच सौंफ लिए। किस तरह से बनाएंगे हम दिखाते हैं आपको। इसको 2 स्टेप में बनाना होता है, पहले इसकी यखनी तैयार करनी होती है और फिर इसकी ग्रेवी। तो उसके लिए ये यखनी में जाएगा, ये 1.5 प्याज यखनी में डालेंगे हम, अदरक और लहसुन ये भी यखनी में जाएगा, और ये सूखे मसाले भी, ये बघारेंगे हम तब डालेंगे ग्रेवी। धनिया और सौंफ को धो लेना है। ये देखिए मटन हमने कुकर में डाल दिया है, और ये 2 प्याज 2 टमाटर हम इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे, टमाटर का अलग बनाएंगे और प्याज का अलग बनाएंगे, एकदम स्मूथ होती है इसकी ग्रेवी, तो इसका एकदम फाइन पेस्ट बना लेना हमको अलग अलग। तो ये हमने मटन डाल दिया है कुकर में, नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से, ये सौंफ धनिया को धो लिया हमने, ये डाल देंगे, ये 1.5 प्याज हमने इस तरह से कट कर लिए, अदरक और लहसुन इसको धोकर डालेंगे। सूखे मसाले भी धोकर ही डालेंगे। डाल दिए हमने सभी चीजें, मटन में हमारी नली भी है वो बहुत टेस्टी लगती है इसके अंदर, तो वो भी ली हमने। अभी 1/2 लीटर का है हमारा, 1/2 लीटर पानी डाल देंगे, ये स्टॉक हमको ग्रेवी में काम आएगा। अब इसको रख देते हैं गैस पे, और मटन टेंडर होने तक 3-4 सीटी ले लेंगे इसकी। ये देखिए 3 से 4 सीटी ले ली हमने, इसको 25 मिनट हो चुका है हमारा गोश्त टेंडर हो रहा था, गैस हमने बंद कर दिया है, इसकी स्टीम जाने का भी इंतज़ार किया, चेक कर लेते हैं गोश्त हमारा मटन टेंडर हुआ कि। ये देखिए मटन हमारा टेंडर हो चुका है, ये टूट रहा है, इसी तरह का चाहिए हमको। अब हम क्या करेंगे, मटन हम पूरा इस तरह से निकाल लेंगे, इस तरह से पूरा मटन हमारा निकाल लेना है हमको झटक के, धनिया और सौंफ इसके अंदर ही रह जाएगा। झटक कर इस तरह से हम पूरा ही निकाल लेते हैं। देखिए निकाल लिए हमने सब मटन झटक कर, अब ये स्टॉक है मटन में, इसका टेस्ट आ चुका है, तो इसके अंदर का सब हमको फेंक देना है, स्टॉक हम छान कर ले लेंगे। देखिए कढ़ाई में हमने घी डाल दिया है 2 चम्मच के करीब, तेल डालेंगे आधा बचा लेते हैं, बाद में डालेंगे, ये मटन को हमको फ्राई कर लेना है थोड़ा सा, नली नहीं डाली हमने इसके अंदर, नली को नहीं फ्राई करेंगे।
देखिए मटन हमारा फ्राई हो चुका है। इस तरह से फ्राई कर लेना है, 2-3 मिनट हमने इसको इस तरह से फ्राई कर लिया है। देखिए अब हम इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। देखिए निकाल दिया हमने मटन, अब उसी पैन में सूखे मसाले डालेंगे। और ये इस तरह से प्याज का फाइन पेस्ट बना लिया हमने, ये डाल देंगे। जो तेल बचा लिया था वो भी डाल देंगे। अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच भर के वो भी डाल देंगे। इसका कच्चापन जाने तक अदरक लहसुन और प्याज का इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। प्याज का एकदम अच्छे से कच्चापन खत्म हो जाए तब तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। देखिए प्याज का कच्चापन जाने तक हमने इसको 5-6 मिनट अच्छे से भून लिया है। इसका कच्चापन चला गया, गैस हमने मीडियम फ्लेम पे ही रखा है। इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्चों का पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ा सा बचा लेंगे ऊपर से डालने के लिए। धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। ये टमाटर का इस तरह से हमने फाइन पेस्ट बना लिया, ये डाल देंगे अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है, जिसमें हमने टमाटर पीस के रख दिया था वही थोड़ा सा खंगाल के पानी डाल देते हैं। मसालों का कच्चापन जाने तक अच्छे से भून लेंगे 7-8 मिनट। देखिए मसाले का कच्चापन जाने तक हमने इसको भून लिया है 7-8 मिनट। एकदम अच्छे से मसाला हमारा भून चुका है, देख सकते हो आप भी कितने अच्छे से हमने मसाला भून लिया है ऑयल पूरा ऊपर आने तक। इसके अंदर गोश्त ऐड करेंगे जो हमने फ्राई कर लिया था। ये स्टॉक हमने छान लिया है, ये डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है। हरा धनिया डालेंगे, इसको मिक्स कर देंगे। इसको ढककर स्लो फ्लेम पे पकने देते हैं 10 मिनट। स्टॉक के अंदर का इस तरह से छान कर निकाल लेना है। इसका टेस्ट मटन के अंदर पूरा आ चुका है तो ये कुछ इसका कुछ काम नहीं है, इसको फेंक देना है। देखिए 10 मिनट से ये स्लो फ्लेम पे पक रहा है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। देखिए इसकी ग्रेवी इसी तरह की होती है, एकदम स्मूथ देख सकते हो आप। ये कितने अच्छे से पक चुका है।
ऑयल पूरा ऊपर आ चुका है। अब ये काली मिर्चों का पाउडर और ये धनिया पाउडर जो हमने थोड़ा थोड़ा बचा लिया था वो डाल देंगे अभी ऊपर से। अब हम गैस बंद कर देंगे और आपको सर्व करके दिखाएंगे। लीजिए, बनकर तैयार है मटन जहांगीरी। दिल्ली की बहुत ही फेमस डिश है ये। ये खाने में बहुत 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 टेस्टी लगती है फ्रेंड्स, आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। और मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमेशा की तरह मुझे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट भेजते रहिए। इसी तरह से मेरी हौसला अफजाई कीजिए। मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।